बड़ी अद्भुत बात लिखी, कहा कि जीवन की चिंता कम करो, मौत का चिंतन ज्यादा करो। कहा कि जीवन की चिंता करने से क्या मिलना है, आपका पुण्य जितना होगा उतना आपको मिल ही जाना है। मैं कई बार कहता हूं, मजदूर घर से निकलता है, पूरा दिन अपने शरीर से पसीना बहाता है, अपने शरीर को तपाता है, हो सके उतनी मेहनत करता है, लेकिन वो मजदूर शाम होते होते 200 300 400 500 रुपए लेकर के घर आता है, उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं मिलता। संसार की जितनी भी उपलब्धियां है वहां पुरुषार्थ का रोल बहुत कम है, पुण्य का रोल बहुत ज्यादा है। बराबर कान खोल के सुन लेना, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं। फिजूल हम चिंता में पड़े हुए हैं। शास्त्रकार भोगवंतों ने अद्भुत बात लिखी, कहा कि छोड़ो फिजूल की चिंता है, क्या होना है, और संसार की चिंता करके आपको मिलना क्या है, प्राप्त क्या होना है, क्योंकि संसार की जितनी भी उपलब्धियां हैं वहां पुण्य का रोल 99% है, पुरुषार्थ का रोल 1% है। और धर्म की जितनी भी उपलब्धियां आप जीवन में पाओगे, जितनी भी उपलब्धियां धर्म के क्षेत्र में आप प्राप्त करोगे, वहां पुरुषार्थ का रोल 99% है और पुण्य का रोल 1% है। ये गणित समझ लेना, जीवन की चिंता करने जैसी नहीं है। अनायास जीवन में आपको और मुझे बहुत कुछ मिला है, जो हमने सोचा नहीं था, जिसके लिए हमने विचार नहीं किया था। शायद परमात्मा के सामने जाकर के बैठते हैं, गुरु के चरण पकड़ के बैठते हैं, तो लगता है गुरुदेव अवकाश से कहीं ज्यादा मिल गया, इतनी हमारी मेहनत नहीं थी, इतना हमने पुरुषार्थ नहीं किया था, लेकिन तेरी कृपा तेरे आशीर्वाद, कोई पूर्व भव में की हुई धर्म की आराधना, कोई जगह हुआ पुण्य, और इसकी वजह से जितनी मेहनत करते हैं उससे कई गुना ज्यादा मिल जाता है। आपको यह अनुभव कई बार हुआ होगा, फिजूल चिंता में आप ऊर्जा व्यर्थ करते हो। बड़ी अद्भुत बात देखी शास्त्रकार भगवंतों ने, समझ लेना, जीवन की चिंता नहीं मौत का चिंतन करो। आप जागना चाहते हो, आप धर्म करना चाहते हो, आप सही मायने में धर्म से जुड़ना चाहते हो, भीतर को जगाना चाहते हो, भीतर को बदलना चाहते हो, कौन कहता है नहीं बदला जा सकता। यदि आपने एक छोटा सा उपक्रम शुरू कर लिया, हर रोज प्रतिदिन 5 मिनट मौत का चिंतन करना, ये मौत का चिंतन करना आपको आ गया, मृत्यु को ध्याना आपको आ गया, मृत्यु का ध्यान करना आपको आ गया, मौत को देखना आ गया, तो समझ लेना आप धर्म कर पाओगे। मृत्यु का चिंतन करो, प्रभु कब आएगा, कैसे आएगा। हमारे यहां बड़ी अद्भुत भावना भाई है, ऐसी दशा हो भगवन जब प्राण तन से निकले, गिरिराज की हो छाया, मन में न हो माया। कैसी भावना भाई, कहा कि प्रभु जब मृत्यु आवे तो हमारा मृत्यु कैसा हो। आप रोज सोचो, आंखें बंद करके 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट मृत्यु का चिंतन करो कि मौत आएगी तो क्या होगा। जीवन में इतना झमेला फैला कर रखा हुआ है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, इतना सारा चिंतन, आपका जीवन चिंता में बिता जा रहा है, और चिंता की वजह से आप सही ढंग से न धर्म कर सकते हो, सही ढंग से न आराधना कर सकते हो, सही ढंग से न साधना कर सकते हो, सही ढंग से न तप त्याग कर सकते हो, क्या मिलेगा। आपको जागना है, रास्ता एक ही है, मृत्यु का चिंतन करो, जीवन की चिंता को छोड़ो, मृत्यु का चिंतन आपको जगा सकता है। आपको पता है साधु क्यों जगे हुए हैं, क्यों पापों से बचने की कोशिश में रहते हैं, क्यों मिनिमम कर्म बंध हो उसका ध्यान रखते हैं, क्यों कम से कम दोष लगे ऐसा जीवन जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साधु मृत्यु का रोज चिंतन करता है। हम प्रतिदिन परमात्मा के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं, प्रभु अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम देहान्ते तव सानिध्यम देहि मे परमेश्वर, प्रभु प्रयास बिना मृत्यु मिल जाए, अनायासेन मरणम, परमात्मा से जाकर के प्रार्थना करो। आप रोज बोलते हो जय विलास सूत्र में समाहि मरणम च बोहि लाभो,
मात्र सूत्र बोलने से कुछ नहीं होना, कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको रोज 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके मृत्यु का ध्यान करना। आप किसी की श्मशान यात्रा में जाते हो तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए आपको मृत्यु का ज्ञान होता है। 5 मिनट 10 मिनट के लिए आपकी आंखें खुलती है। श्मशान वैराग्य हमारे यहां पे कहा गया कि श्मशान में जाते तो वैराग्य जागता है कि नहीं मुझे भी मरना पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा, मुझे भी यह सब छोड़कर निकलना पड़ेगा। लेकिन कितना समय है? मैं आपको निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं, समझ लेना, श्मशान जितना बड़ा वैराग्य खड़ा कर सकता है उतना बड़ा वैराग्य मंदिर भी खड़ा नहीं कर सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, समझने की कोशिश करना, श्मशान से जितना बड़ा वैराग्य प्राप्त हो सकता है, श्मशान में जाकर के जितना बड़ा वैराग्य हासिल हो सकता है उतना बड़ा वैराग्य शायद मंदिर में जाकर भी आपको ना हो। और एक सरल रास्ता आपको बता देता हूं। आपसे ध्यान नहीं हो पाता कोई बात नहीं, आपके आसपास में जो भी श्मशान हो रोज 5 मिनट जाओ, आपको पता चलेगा कितने लोग आते हैं कितने चले जाते हैं। क्या वैल्यू मेरे जीवन की, मेरे जीवन का मूल्य क्या, कब टिकट कट जाए, कब नंबर लग जाए, किसको पता है? क्यों इतना फैलावा करना, क्यों इतना झमेला करना, क्यों इतनी परेशानियां खड़ी करनी? ठीक है, सरलता से जितना होता है उतना करें, सहजता से जितना होता है उतना करें। जहां मन की असमाधि ना होती हो, मन की अशांति ना होती हो, शरीर आपका बिगड़ता ना हो उतना करें। क्यों नहीं समझते आप? करने की मना ही नहीं है, लेकिन शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि सोच कर करें। 24 घंटा जीवन की चिंता में लगे रहते हो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 5 मिनट मृत्यु का प्रतिदिन चिंतन करो। क्योंकि समझ लेना, क्यों मृत्यु का चिंतन करना, हमारे यहां लिखा गया कि जीवन की चिंता आपको भगाती है और मृत्यु का चिंतन आपको जगाता है। जितनी चिंताएं बढ़ेगी उतना आप ज्यादा भागोगे। घर भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है, परिवार को भी संभालना है, बेटे की शादी भी करवानी है, बेटी की शादी भी करवानी है, उनको पढ़ाई के लिए विदेश भी भेजना है। जितना चिंता आपकी बढ़ती जाएगी, जितनी जीवन की चिंता आपकी बढ़ती जाएगी उतने आप और तेज भागोगे। इसीलिए कहा कि जीवन की चिंता भगाती है, मृत्यु का चिंतन जगाता है। आप मात्र बातें करते हैं, महाराज साहब जागना है, महाराज साहब कुछ करना है, महाराज साहब कहीं जाना है, महाराज साहब हमको मोक्ष चाहिए, महाराज साहब हमको सदगति चाहिए। मैं कहता हूं कि बातें करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल रूप से शुरू कीजिए। प्रतिदिन आप 5 मिनट यदि मृत्यु का चिंतन कर पाते हो, 1 महीने में आपका जीवन बदल जाए, 1 साल भी नहीं कहता। 5 मिनट आंखें बंद करके यदि आप ये सोच पाए कि मुझे भी एक दिन मरना पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा, वो दिन कब आए पता नहीं, परमात्मा प्रयास बिना का मृत्यु मिल जाए, कोई रोग ना हो, कोई अस्पताल में ना हो, कोई कोमा के बेड के ऊपर ना हो, आसपास में डॉक्टर की फौज खड़ी ना हो, पर वो बैठे हो और गिर जाए, ऐसा मृत्यु मिल जाए ना, तो समझना जीवन सफल। मृत्यु से अंदाजा लगाया जा सकता है, मृत्यु से तकाजा लगाया जा सकता है कि आपने जीवन कैसा जिया था। मृत्यु के समय में यदि ज्यादा पीड़ा हो तो समझना जीवन में कोई कमी छूट गई, और अनायास मृत्यु मिल जाए, बैठे हो और ढल जाए, बैठे हो और चले जाए, किसी की सेवा भी लेनी ना पड़े, कोई उपचार भी करवाना ना पड़े, तब समझना कि जीवन अच्छा था, बहुत अच्छा था। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में यदि आपको जागना है, रास्ता एक ही है, जीवन की चिंता कम करो, मृत्यु का चिंतन ज्यादा करो। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।